अस्सलाम जी, दिस इज शान चौधरी। आज मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल सीबीओ पर और जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ये यहाँ सीबीओ पर ही होते हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। अभी तक बाबू भाई इनका नाम है, 400 बच्चों को, 400 गुमे हुए बच्चों को उनके वालदेन से मिलवा चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये कार्य खैर कर रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर होते हैं जितने भी मसाइल लोगों को होते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे साहिल समंदर पर आके गुम जाते हैं, बाबू भाई उनको उनके वालदेन तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम सलाम। कितने साल से आप यहाँ पर साहिल पर हो सीबीओ के, और अब तक कितने बच्चों को उनके वालदेन से मिलवा चुके हो गुमे हुए बच्चों को? तकरीबन मैं यहाँ 35 इयर्स में आऊँ, 35 साल से। जी। और खासतौर पर जितना भी बच्चा यहाँ गुम होते हैं बच्चों को माँ बाप का हवाला करता हूँ। ये तो इंतजामिया CBC है, हमारा पुलिस है, DH है, ज्यादातर मैं ना मतलब पुलिस का हवाला भी करता हूँ, माँ बाप का भी हवाला हो जाते हैं। अच्छा, मिल जाते बच्चा कहीं आगे पीछे, अगर कहीं से भी मसला हो जाते हैं हम उनके हौला कर देते। ठीक है, यहाँ पर अमूमन हमने देखा है कि साहिल पे लातादाद कराची के हजारों लोग घूमने आते हैं, पीछे पार्क भी एक बन गया है सीबीओ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे जो गुम जाते हैं आप तक कैसे पहुँचते हैं, या आप खुद ढूंढते हैं, करते क्या? अभी आपका सामने एक बच्चा जो आया था रोड से, आपने देखा होगा, वो रोड में जो बच्चा रोड में घूम रहे थे, वो बच्चे को मैंने यहाँ से देखे, उसका माँ बाप किसी को पता भी नहीं था। अभी बच्चा मैंने यहाँ लेके आया, फिर उन्होंने वो गार्डन से उस तरफ से आके बच्चा यहाँ लेके गया। मैं तो ये हमारा बच्चा है, मैं कितना चीखे मारते रहा आपका सामने किया। अभी नाज़िम थोड़ी देर पहले भी मैं यहाँ पर मौजूद था तो एक बच्चा रोड पर, छोटी उम्र का, तकरीबन कोई 4 साल उसकी उम्र थी, रोड पर वो गुजर रहा था, जा रहा था, तो अकेला था, इनकी नजर पड़ी उस बच्चे के पास, गए उसको लेके आए, फिर थोड़ा सा आगे गए, एक फैमिली है वो अपनी इंजॉय करने में लगी थी, बच्चा पीछे से निकल के सड़क की तरफ चला गया था, तो उनके हवाले किया। और पूरे कराची भर से सीबीओ पे 400 से ज्यादा गुमे हुए बच्चे इन्होंने उनके वालदेन के हवाले किए हैं। बड़ा नेक काम कर रहे हैं, कार्य खैर कर रहे हैं। तो बाबू मुझे बताओ ये पार्क भी अभी बना है, पहले तो नहीं था? पहले नहीं था। अच्छा। अभी पार्क बना है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इस वक्त। अच्छा। जो है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, फैमिली इंजॉय। ये जो माँ बाप होते हैं इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? हम देखते हैं कोई अपनी तस्वीरें बनाने में लग जाता है, हम देखते हैं कोई अपनी वीडियो बनाने में लग जाता है, बस पीछे से बच्चा जो है चलता चलता है, सड़क है यहाँ से, इतनी तेज स्पीड में गाड़ियां भी गुजरती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो वालदेन इतनी लापरवाही करते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये करूँ, ये कहना चाह रहा हूँ उनको, खासतौर पर अपना बच्चों को अपना ख्याल करें, उनको हाथ पकड़ के रखें। और आप लोग जब अपने घूमने में चक्कर में इधर इधर आगे पीछे होते हैं बच्चा, आप लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, परेशानी होते हैं, खासतौर पर बच्चों को अपना साथ रखने के लिए कोशिश करें, क्योंकि आप लोग आजकल तो ज्यादातर मोबाइल में लगा रहते, फिर और इधर इधर ज्यादा रश में बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। कराची सीबीओ पे जो बच्चे गुम जाते हैं और फिर आप तक पहुंच जाते हैं, आप उनको पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं, उनकी कोई तस्वीर वगैरह है? बिल्कुल, तस्वीर है, कुछ तस्वीर है, मेरा पास भी है, अभी भी बहुत सारा तस्वीर बच्चों का है, बहुत से अभी बच्चों की तस्वीर ले लेते हैं, फिर ये उनको उनके वालदेन से मिलवाते हैं। बहुत से है तस्वीर है, बहुत से है, और बहुत से मैंने यहाँ कर दिया, बहुत सारा है बच्चों का है। ये उन बच्चों की तस्वीर है जो गुम गए थे, फिर इन्हें मिले, इनके पास बहुत सारे लोग बहुत सारा सीबीओ पर जो बच्चे गुम जाते हैं फिर ये बाबू भाई को लोग उन बच्चों की तस्वीर देते हैं कि आप यहीं पर होते हैं, अगर हमारा बच्चा यहाँ पर कहीं नजर आए तो हमें जरूर बता दीजिएगा, नंबर भी देते हैं। जी, तो बड़ा जबरदस्त से खिदमत खल्क कर रहे हैं। बाबू भाई आप यहाँ सुबह कितने बजे आते हैं और रात को कब तक होते हैं? शाम को 6 बजे मैं आता हूँ। ठीक है, तो हाँ सामने रहता हूँ, सामने सीबीओ अपार्टमेंट में सामने रहता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ और रात को 1:30। तो यहाँ पर तो आपको सब जानते होंगे, अगर कोई गुमा हुआ बच्चा आपके पास आ जाता है आप उसको अपने पास बिठा लेते हैं। जी, तो जी, अगर जी। उनके वालदेन किसी और से भी पूछेंगे बच्चा क्या मिलेगा तो वो तो वैसे ही बता देते होंगे आगे एक बाबू। हाँ, जी जी, मेरा पास ही ले जाते, ऐसे कोई हाथ नहीं लगाते, क्योंकि बच्चों का मामला ना, हर बंदा डरते है। ठीक है, हर बच्चा हर बंदा डरते है, इसकी वजह से ना हर बच्चा को 400 से ज्यादा बच्चे मिलवा, 407 बच्चा, 407 बच्चा मुझे ना टोटल अब तक मैंने दिया सीबीओ से, मेरा नाम रिकॉर्ड है। 15 वाला कराची सीबीओ है तो ख्याल करें, दरचा थाना है हमारा, दरचा थाना है, सीबी का क्या कहते हैं चौकी है। हाँ। इस चौकी में जितना भी हमारा पुलिस इंतजामिया है उनके हौला कर देता हूँ, सबको पता है यहाँ पर बाबू भाई ने यहाँ करना, एक दो बच्ची अभी तक नहीं मिला। हाँ। वो बच्चियों का FIR भी मेरा पास है, नहीं मिला अभी तक, इसका तीसरा दिन गुम हुआ। हाँ। वो बेचारा पागल हुआ हुआ गुम हुई है, अगवा हुई है, गुम हुआ अभी तक नहीं मिला। ये उस बंदा का, उस बंदा मेरा पास आया भी है, उस बंदा का ये मेरा बच्चा भी है, इस बंदा का बच्ची है, अभी तक नहीं मिला। गुलिस्तान है जोर का तरफ, उधर रहते गुलिस्तान इकबाल का तरफ, उधर ही रहते। तो नाज़रीन आप जब भी इस तरह की किसी तफरी गाह पर जाएं, किसी समंदर की तरफ जाएं या पार्क वगैरह में जाएं तो अपने छोटे बच्चों का लाजमी ख्याल करें, क्योंकि हर जगह पर बाबू भाई नहीं होते। ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, मखलूक खुदा की जो है वो, जो खुदा की मखलूक है उसकी फिक्र में लगे हुए हैं, नजर रखते हैं कि कोई बच्चा अगर अकेला जा रहा हो या माँ बाप से जो अलग हो गया हो या हाथ छुड़ा कर कहीं दूर निकल गया हो तो नजर रखते हैं और उस बच्चे को पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं, या इनको सब जानते हैं, फिर अगर कोई भी अपने बच्चों को ढूंढता है तो लोग बता देते हैं कि बाबू भाई के पास हो गए। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत। आपका भी बहुत शुक्रिया।